हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे ड्रॉल्स कंपनी का, जो कि एक फूड देती है डॉग का, उसका हम लोग रिव्यू करेंगे इस डॉग फूड का। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा कि आपको इस कंपनी का डॉग फूड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वीडियो एकदम स्किप मत करना, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आप ये कंपनी का फूड को आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं, आप जब भी कोई भी कंपनी का डॉग फूड लीजिए, कोई भी कंपनी का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा पैकेट लेना है। क्योंकि आप बड़ा पैकेट ले लोगे, बाई चांस आपके डॉग को वो नहीं पसंद आया, तो उसका क्या है, पूरा पूरा डॉग फूड वो वेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपके थोड़ा सा मनी भी वेस्ट ही हो जाएगी पूरी की पूरी। तो इसीलिए हमेशा छोटी क्वांटिटी का लीजिए, और जिस भी कंपनी का आपके डॉग को फूड अच्छा लगे, आप उसका बड़ा क्वांटिटी का पैकेट बाय कर सकते हैं। तो गाइस, मेरे साथ हो चुका है, तो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तभी मैंने मीटर पर पूरा फूड खरीद लिया था, लगभग 20 kg, और वो पूरा का पूरा फूड बर्बाद हो चुका है, हनी बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो यही मैं बता रहा हूँ, तो आप इसके बारे में जान लीजिए। तो अब दूसरे बारे में बात कर लेते हैं कि मैं पहले हनी को देता था पेडिग्री, तो हनी पेडिग्री काफी अच्छे से खाती थी। लेकिन जब से मैंने विड्रूल्स का ये वाला फूड देना चालू किया, मीट एंड चिकन वाला, तो तब से गाइस हनी को पेडिग्री के साथ साथ हनी पेडिग्री खाना थोड़ा सा कम कर दिया है, और हनी पेडिग्री में उतना इंटरेस्ट नहीं रहती जितना ड्रूल्स में लेती है। बहुत अच्छे से खाती है ये ड्रूल्स वाला फूड, और काफी ज्यादा इसे बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसे और ज्यादा अच्छा लगता है इस वजह से खाने में। तो अभी लाइव आपको खिला के भी दिखाएंगे कितना इसे पसंद है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या है जो आपके डॉग के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले इसमें गाइस प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब है, जो कि आपके डॉग के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप सोचो कि आप खाली अगर होम का घर का फूड खिला के अपने डॉग को काफी अच्छा कर सकते हो, तो थोड़ा सा वो दिक्कत देगा, क्योंकि इसमें गाइस इतनी सारी चीजें हैं जिससे आपका डॉग तो फूड खाएगा ये डॉग वाला, तो इससे का आपका डॉग इतना एक्टिव रहेगा, काफी ज्यादा एक्टिव रहेगा, हनी को देख रहा है जैसे कि, और साथ ही साथ उसका जो कोट है वो अलग शाइन करेगा। आपके डॉग का ये वाला डॉग कोट किसी कंपनी का लीजिए, वो आपको देना कंपलसरी है। तो आपके डॉग की एक बॉडी लैंग्वेज ही एक अलग होगी बाकी डॉगों से, क्योंकि आप मतलब अपने डॉग को डॉग फूड देते हैं इस वजह से, क्योंकि घर का खाना सब प्रोटीन मिनरल्स पूरे नहीं कर पाता है कभी कभार। तो अब बात कर लेते हैं ये आपको कितना देना होता है। रेशियो पूरा का पूरा बैग में लिखा होता है, तो आप उस हिसाब से देख के अपने डॉग को दे सकते हैं। मैं जैसे कि स्मॉल ब्रीड, लार्ज ब्रीड, मीडियम ब्रीड सबके बारे में लिख सकता है, तो मैं हनी को लार्ज ब्रीड के हिसाब से देता हूँ। अगर आपके पॉवेलियन ओवेलियन है तो आप स्मॉल ब्रीड के साथ जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको ये ऑनलाइन कितने का पड़ेगा, ऑफलाइन में आपको किस में फायदा रहेगा। तो गाइस, हमेशा आप हो सके तो आप ऑनलाइन लेने की कोशिश करिए, ऑफलाइन वाला असल में अपना भी थोड़ा सा मार्जिन निकाल के ही आपको, ज्यादा मार्जिन निकाल के आपको बेचेगा, तो आप ऑनलाइन के साथ जाओ, वहीं पे आपको थोड़ा सा सही पड़ेगा। क्योंकि गाइस ऑनलाइन जैसे कि पड़ता है ये विदाउट सेल 1300 या 1400 का, और ऑफलाइन आप लोगे तो वो आपको 1500 तक की का दे सकता है शायद, और यही आप सेल में खरीद लोगे तो 1100 में आपको ऑनलाइन पड़ जाएगा, वो आप ले सकते हो। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं ये आपको काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली भी होगा। आपको पेडिग्री अगर लोगे तो वो काफी महंगा भी पड़ सकता है, लेकिन ये आपको काफी सस्ता भी पड़ेगा और काफी अच्छा भी आपके डॉग के लिए रहेगा। तो अब कर लेते हैं लाइव डेमो की बारी। तो अभी आपको लाइव देख दिखाएंगे इसे देख के, और आप फिर देखिएगा कि आप डॉग को देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो गाइस चलिए देते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए ले रखा है, और लगभग इसे एकदम मुट्ठी खिला के आपको लाइव दिखाई देते हैं, और पहले आपको दिखाएं कैसा इसका फूड है। ये देखिए तभी लाइव आपको दिखा रहा है इसे देख के कुछ, और फिर आप देखिएगा इसे पसंद है या नहीं। तो गाइस मैंने अभी इतना सैंपल के लिए निकाल लिया है, देख सकते हैं ऐसा होता है, ये एडल्ट का है ना कि पप्पी का। एडल्ट में पेडिग्री का थोड़ा बड़ा टाइप का होता है, इसलिए ये अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो अब इसे देख के देखते हैं। हनी लो, टेक इट, करो, खा लो खा लो। ये गाइस ऐसे तो इसको दिक्कत हो रही है खाने में, नीचे रखते हैं जिससे आराम से खा सके, ऊपर ये कैसे खा पाएगी। हनी कम, टेक इट, हनी ये लो, टेक इट कर लो। तो गाइस जब से टेक इट ना बोलो तो ऐसे नहीं खाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंसियर है। जब आप इसे टेक इट बोलोगे तभी ये अपना फूड छूती है, वरना ये टच भी नहीं करेगी, फूड की तरफ देखती तक ही नहीं, जब तक आप अगर टेक इट ना बोलो इसे। बहुत ही समझदार है, और देख सकते हो कितने प्यार से खा रही, से बहुत पसंद है फूड। तो इसलिए मैंने पेडिग्री को छोड़ दिया, उसके साथ में चला गया हूँ।
तो अब बात कर लेते हैं कि आप इसके इस रूल्स कंपनी के डॉग फूड के साथ जा सकते हो। जैसे कि मेरे डॉग को पसंद है, तो आई होप आपके डॉग को ज़्यादातर चांसेस में पसंद हो। जब भी लीजिएगा छोटा पैकेट लीजिएगा, तो काफ़ी अच्छा डॉग फूड है, आप जरूर जाइएगा, एक बार ट्राई कर सकते हैं छोटे पैकेट के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।